तभी कहा एको देव सर्वभूते सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता के लो निरुनच। एक ही आत्मा है सबके अंदर। कबीर जी ने भी यही कहा, कबीरा कुआ एक है पनिहरी अनेक, भांत भांत के बर्तन भय पानी सब में ही। तो बर्तन तो न्यारे न्यारे भय पानी सब में एक। तो बर्तन तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पानी तो सब में एक ही होता है। तो हम एक ही है, एक ही आत्मा है, हमारे में किसी में भेद नहीं है। तो मंदा किसनो आखिए सब आपे आप। गुरु साहब भी यही समझा रहे हैं कि मंदा किसनो आखिए सब आपे आप। तो वो सब आप ही आप है, सब आप ही आप है। अगर किसी को हम किसके प्रति हमारे अंदर बुराई आ जाती है तो हमने किसको बुरा सोचा? परमात्मा सतगुरु को बुरा सोच लिया। तो कभी भी अगर कोई दुष्टताई भी करता है तो उसका भी भला मांगो परमात्मा से। आपको तो ज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है। आप तो भला मांग सकते हैं कि परमेश्वर परमात्मा इसको भी सतबुद्धि दो ताकि इसको भी ज्ञान मिल जाए कि जो मैं कर रहा हूं दूसरों के साथ दुष्टताई करता हूं, दूसरों के धन दौलत को लूटता हूं, दूसरों को साथ ठगी करता हूं, दूसरों के साथ बुराई करता हूं, तो ये तो बहुत बुरा काम कर रहा हूं। पता नहीं नरक भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये किस लिए इकट्ठा कर रहा हूं पाप का? ये पाप की कमाई किस लिए इकट्ठी कर रहा हूं? ये किस काम में आएगी? कुछ भी नहीं आता। हमेशा जीवन में रहो लेकिन सादगी में रहो, निम्रता में रहो, अपने अंदर उस प्रेम को उजागर करो सबके प्रति, सबके प्रति। अगर ऐसा हो जाए तो फिर किस चीज की कमी है? फिर किस चीज की कमी नहीं है? फिर तो आप परमेश्वर ही बन जाएंगे एक दिन। परमेश्वर बनना है आपने। जैसे सूर्य है, सूर्य में से जब किरण बिछड़ जाती है तो अगर वो सूर्य में नहीं मिलती तो फिर वो किरण है, फिर क्या पता उसका कहां खत्म हो जाएगी। तो तभी कहा है कि सूरज किरण मिली जल का जल की आराम, ज्योति ज्योत लली संपूर्ण थी आराम, ब्रह्म दिशे ब्रह्म खानिए, आत्म सारा करने आराम, प्रभु बिना ब्रह्म जानिए। तो वो भी आत्मा भी परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। आप सभी सभी राम है। तभी एक बात और कह दी एक श्लोक में, ये संसार क्या है? जड़ चेतन, जड़ चेतन सगल जग जीव राममयी जान, बंधु सबके पद कमल ज्योति रूप भगवान। तो आप सभी सब में ज्योत, ज्योत है सोई किससे चानन, सब में चानन। तो सब में वो एक ही ज्योति है, सब में एक ही प्रकाश है। हम सभी ज्योति का पुंज हैं, हम शरीर नहीं है और शब्द रूप है, लेकिन हम ऊपर से नीचे आ गए, नीचे आ गए और काल के पीछे लगे। काल ने क्या करना है? काल तो सबकी मुंडियां काट काट के माला बना लेता है, खप्पर भरता नहीं, सबको सबको चट कर जाता है काल। उसने कौन सा सुख देना है? उसके आगे मत्थे टेकते हैं, वो कभी सुख नहीं देगा। कोई कहता है जी काल को वहां जाके भाई बना लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, हमारा छुटकारा हो जाएगा। किसी का छुटकारा नहीं होता। जगत जिपीना काल का, जगत जिपीना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद, ये सारा संसार काल का खाजा है, ये उसका भोजन है। वो 1.25 लाख को पैदा करता है प्रतिदिन, 1 लाख उसका भोजन है। वो किसी पर दया नहीं करता, सबको चट कर जाता है और दुनिया उसी के पीछे लगी हुई है, उसी के पीछे लगी हुई है। क्योंकि पता किसी को नहीं है कि हमने किस किधर जाना है, कहां हमारा जो भला करने वाला है वो कहां बैठा है, पता किसी को नहीं है। तो इसके लिए जो है गुरु से नाम मिल जाता है, गुरु को नीचे से निकाल करके ये सारे 6 चक्रों से पूरे रोम रोम में आत्मा फंसी हुई है और मन लगा है, काम लगा है, क्रोध लगा है, लोभ लगा है, मोह लगा है और दुख पर दुख पा रही है, आत्मा तड़प रही है। लेकिन जब गुरु मिल जाता है, पूर्व कर्म अंकर जो प्रगटे, बेंट्यो रस के बैरागी, मिट्यो अंधेर, मिल दर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। तो जन्मों जन्मांतरों से जो आत्मा फंसी हुई है चक्रों में, उसको निकाल करके ऊपर ले आता है, यहां ले आता है।
और फिर जब यहाँ आत्मा आ जाती है तो फिर उसका विकास होना शुरू हो जाता है। यहाँ से रोहनेत की काखा शुरू होती है, तो यहाँ से फिर हमने चलना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं और फिर नीचे वही जो पहली क्लास वाला काम था वही करने, पहली क्लास में बैठ जाते हैं, वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो कबीर साहब ने एक बड़ी बहुत मार्मिक बात कह दी, बड़ा सुंदर उपदेश दे दिया संसार को कि गुरु सीढ़ी से उतरे। गुरु ने तो आपको टॉप ऑफ क्रिएशन दे दिया, आपको टॉप के ऊपर पहुंचा दिया। वैसे भी आप टॉप ऑफ क्रिएशन है, सबसे ऊपर की पौड़ी के ऊपर है, तो आप ऊपर बैठा दिया, आप ऊपर सीढ़ी से फिर नीचे उतर गए। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी होना होए फिर शब्द भी नहीं चलता और प्रकाश भी नहीं आता। फिर कहते हैं जी हमारा भजन नहीं बनता, तो भजन कैसे बनेगा? परमात्मा को ऐसे मिल जाता है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए भी बैठना पड़ेगा। जिसने जान दी या जिसने नाम भी देगा, वही जिसका इखलाक है उसी का रजाक है। खुदा को भूल गए लोग, फिक्रे रोजी रोटी में रिजे का ख्याल है, रजाक का ख्याल नहीं। लेकिन हमें तो मोह माया लगी हुई है कि कहां से क्या करें, कहां से लूट लें, कहां से कैसे क्या कर लें। बस यही सपने रात को भी आते हैं, दिन में भी यही लगी हुई है। लेकिन वो किस लिए, किस काम के लिए? हमारी वो कौड़ियां किस काम की है? वो हमारे काम की नहीं है। आप तो इतनी बड़ी महान आत्मा है, आपके वो किसी काम का नहीं। हाँ ठीक है, आपको चिंता है बाल बच्चों की या परिवार की कि ये आगे चल के क्या पता इनको कोई मुसीबत आएगी। जिसके भाग्य में जो लिख दिया है, मालिक ने, लिखने वाले ने लिख दिया है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, उसको वो लेना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है जिसको परमात्मा ने नहीं दिया है, देकर के नहीं भेजा है। और जो बहुत बड़ा गरीब होता है, बहुत बड़ा दुखी होता है, वो कौन होता है? उसने बहुत बड़े घोर पाप किए होते हैं, वो होता है। एक बच्चा पैदा होता है फुटपाथ पे, माता के स्तनों में दूध नहीं होता, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, माता के को भोजन नहीं मिलता, दूध कहां से आएगा? तो फिर वो बच्चा तड़पता रहता है। लेकिन एक बच्चा राजे के घर में पैदा होता है, सोने की कटोरियां, सोने के चम्मच उसके लिए, सोने के पालने और सब कुछ के उसके लिए हजारों नौकर चाकर होते हैं, एक ऐसा होता है। लेकिन ये अपने अपने भाग्य के मुताबिक होता है। तो हमारे तीन प्रकार, तीन तरह के कर्म होते हैं। पहले तो जितने हमारे आज तक, आज जब से सृष्टि बनी है, संसार बना है, जितने भी कर्म हमने किए हैं जाने अनजाने में, और जो भी कर्म किए हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं, सब पहाड़ लगे पड़े हैं कर्मों के, वो सब भुगतने पड़ेंगे। और फिर और कर्म करते हैं संसार में आकर के, उन कर्मों को भोगने के लिए कुछ समय सिंचित कर्मों में से प्रारब्ध के रूप में दिए जाते हैं, दूसरे प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध के दिए जाते हैं। लेकिन इन कर्मों का भुगतान तो हम कहां करते हैं, और कर्म बना करके संसार से चले जाते हैं। और तीसरे क्रियामान कर्म है जो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन गुरु क्या करता है, गुरु उन कर्मों के ऊपर रेख मार देता है और समझा देता है कि आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना है। तो फिर अगर हम गुरु के वचनों के ऊपर अमल करते हैं, चलते हैं, तो फिर हमारे वो कर्म जो है, वो जितने भंडार लगे हुए हैं, वो तो पहले दिन ही, जिस दिन संत, किसी भी पूर्ण संत सदगुरु की दृष्टि जिस भी के ऊपर पड़ जाती है, चाहे कीड़े के ऊपर पड़ जाए, इंसान के ऊपर पड़ जाए, पेड़ के ऊपर पड़ जाए, घास के ऊपर पड़ जाए, उसको फिर मनुष्य का ही चोला मिलता है। क्योंकि गुरु की दिव्य दृष्टि होती है, गुरु मिलिए दिव्य दृष्टि होए, गुरु में परमात्मा प्रकट रूप में बैठा है। क्योंकि अंदर से जो बोलने वाला है, जैसे मैं आवे खस्म की वाणी तैसा करिए ज्ञान मिलो, तो जो अंदर से जो भी बोलने वाला है वही बोलता है, वही आपको समझाता है। ये सिर नहीं समझा सकता, गुरु भी वही है, श्री गुरु नहीं होता, गुरु भी हुई है। तो इसलिए दुनिया कहती है जी मैं तो गुरु हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, तो गुरु सारे संसार का एक ही है। गुरु हम उनको कहते हैं, सतपुरुष जिन जाने सतगुरु तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ।
जिसने परमात्मा को जान लिया, जो परमात्मा में आभेद हो गया, जो परमात्मा का ही रूप हो गया, और उनको हम सतगुरु भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, तो उनके संग जो है दुनिया का उद्धार होता है। उनका संग करने से, उनका संग करने से ही कल्याण होता है। तो यही चीज जब माता देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा, जिस समय जब जो गार्गी थी और दूसरी दो थी उसकी पत्नियां, जब वो सन्यास लेने लगा, करोड़ों का धन था और पति परायण उसकी पत्नियां थी, दोनों बहुत सुंदर थी, तो उसने सन्यास लेने के लिए वो चल पड़ा, तो उस धन के दो हिस्से किए, एक गार्गी के लिए, एक मैत्री के लिए। तो मैत्री ने तो अपना वो करोड़ों का धन जो था, जो उसके हिस्से में आया, वो रख लिया। अब गार्गी पूछती है कि महाराज मैं इस धन से क्या करूंगी, कि आपने महारानियों जैसा जीवन व्यतीत कर लेना, तो क्या मुझे इससे सुख मिल जाएगा, कभी सुख भी मिलेगा? कहते हैं कि इससे कोई सुख नहीं मिलता। तो भी कहा है कि अमृतस्य तू नास्ति, अमृतस्य तू नास्ति वितेन, के संसार में धन दौलत से किसी को आज तक सुख नहीं मिला, न मिल सकता है। संसार की वस्तुओं से किसी को सुख नहीं मिलता, सुख किससे मिलता है? उस अमृत को पा करके सुख मिलता है, ऐसे सुख नहीं मिलेगा यहां भी और आगे भी, फिर स्थायी सुख है, फिर कोई धोखा नहीं है, फिर धोखा नहीं हो सकता। लेकिन हम दुखे में पड़े हैं, सत साल इबादत कुनन निवाजी ने कसे को इश्क नदारद खुदा राजी ने। तो एक कुरान शरीफ में भी समझा रहे हैं कि कहते हैं कि तू अगर 100 साल भी जिसकी तू ये नमाज पढ़ता है, अगर उसकी 100 साल तक भी तू नमाज पढ़ता रहेगा, अगर तेरे दिल में उसके प्रति प्यार नहीं आया, दूसरों के प्रति हमदर्दी नहीं आई, तो तू 100 साल तक भी पढ़ता रहेगा, लेकिन तू उसके खुदा के राज को नहीं पा सकता। खुदा के राज को भी तू तब पा सकता है जब तेरी आंखों से उसके प्रति, उसके प्यार में आंसू बहेंगे, तभी तू उस राज को पा सकता है। तो इंसान अपने सुख की तलाश में निकला है कि शायद धन से सुख मिलेगा, दौलत से सुख मिलेगा। वो घड़ी दूर नहीं है जिस दिन हमने चलना है, वो घड़ी दूर नहीं है, लेकिन हम उसको ठुकरा रहे हैं। पता नहीं कल कैसा समय हो जाना है। बच्चे मर रहे हैं, युवा मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, सभी संसार से जा रहे हैं, हम देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर कभी ज्ञान नहीं होता। देखते हैं हम कि ऐसे हमें भी एक दिन जाना पड़ेगा, जैसे किसी अर्थी को देखते हैं कि ऐसे हम भी एक दिन जाएंगे, नंगे जाएंगे। तो यहां कहते हैं कि जो भी आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा, जाएगा इस जहां से कोई ना साथी होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा इस जहां से कोई ना साथी होगा, कोई ना साथी होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, हर नाम को सिमर ले अंत साथी तेरा होगा, हर नाम को सिमर ले अंत साथी तेरा होगा, करता रहा मेरा मेरी, करता रहा हेरा फेरी, हरि भक्ति की हो गई तेरी, क्या हाल तेरा होगा, हरि नाम को सि
सिमर ले अंत साथी तेरा होगा जाएगा इस जहां से कोई ना साथी होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, दास साहब के चरणों में अर्ज कर रहा था कि वो घड़ी दूर नहीं है, पानी केरा बुदबुदाए मांस की दात, देखी थी छुप जाए जो तारा प्रभात, हम जाना था खाएंगे बहुत जमी और माल, देखी थी रही गया पकड़ी ले गया काल, पांच पैर धंधे गया तीन पैर रहा सोए, एक घड़ी ना हरी बजा तो मुक्त कहां से। तो ये शरीर तो एक पानी का बुलबुला है, क्या पता कब ये पानी में मिल जाएगा, फिर इसका पता भी नहीं चलेगा, अभी तो चलो नजर आ रहा है, फिर पता नहीं चलता थोड़ी देर के बाद, फिर कहते हैं जी ये तो अब्राहम नाम सत्य हो गया। तो इंसान किस चीज का अहंकार कर सकता है, ये शरीर एक दिन रात की ढेरी बन जाएगा, या तो इसको पशु पक्षी खा जाएंगे, ये स्थाई नहीं है जिसके ऊपर हम इतना मान करते हैं। मान करना तो परमात्मा के ऊपर को, और मान करना है तो ऐसा करो कि सबका भला मांगो, सबके भले के लिए कार्य करें, तब लाभ है। इंसान वो होता है जो सबके भले के लिए कार्य करता है, सबके भले के लिए, तो वो इंसान होता है। ये नहीं है कि अपना पेट भर लिया और बस हो गया, बाकी आपके पड़ोस में कोई भूखा प्यासा पड़ा रहे और उसका कोई पता नहीं है कि कहां भूखा प्यासा पड़ा है, वो भी परमेश्वर का ही रूप है, वो भी आत्मा के रूप में है, तो इसलिए इतना तो इंसान को ज्ञान होना चाहिए। और आज इंसान सोया पड़ा है, बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले माता पिता को ध्यान होना चाहिए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी उनको जरा अच्छी शिक्षा दो, अच्छा बनाओ उनको अच्छा बनाओ उनको। आप तो घर में रहते हैं लेकिन वो जाकर के ऐसी संगति करते हैं, तभी तो कहा है कि संगत करी अच्छा की चढ़ा सिवा के शीस अब भ्रमर चरण दे गंगधारा के बीच। तो अच्छी संगति जब तक नहीं मिलती, अच्छी संगति कैसे मिलेगी, अच्छी संगति कहां मिलती है, अच्छी संगति संतों के चरणों में मिलती है। तभी आपने आरती में भी गाया तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, गाली आपने लेकिन आपको पता नहीं लगा कि हमने क्या गाया, क्या मतलब हुआ इसका, कि हे परमेश्वर हे परमात्मा आप तो अगोचर हो, सबके जीवन आधार हो, सबको सबके प्राणों के मालिक हो, तो उस अगोचर को आप मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, क्या आपका वो नेत्र खुल गया जो उसको देख लेगा। देखो कितनी इंसान के अंदर मूर्खता है, कैसे देखेगा। और एक चीज और कह दी कि विषयाभिकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कर संतन की सेवा। अगर अच्छी संगति जो है वो संतों की मिलती है, संतों के चरणों में मिलती है, तभी कहा है कि सत्य सत्संग। सत्संग क्या है, सत्संग बहुत बड़ी ऊंची चीज है, अगर हमारे दिमाग में वो बात आ जाए तो तरने में देर नहीं है, तरने में देर नहीं लगती। तभी कहा है कष्ट राती, ये हमारे वेदों शास्त्रों का श्लोक है, कष्ट राती मायाम यह संगा सत्य जति, संगा सत्य जति यो मानुभावम सेवते निर्मयो भक्ति। बहुत सुंदर तरह से समझा दिया कि संसार में अच्छी चीजें बहुत कम मिलती है। अच्छी चीजें क्या क्या होती है, कस्तूरी केसर चंदन, ये बड़े भागे से मिलता है, और संतों की प्रभु अनुरक्त महापुरुषों का मिलना, प्रभु अनुरक्त महापुरुषों का मिलना बड़ा दुर्लभ है, उनकी संगति में जाकर के उनकी संगत करने से इंसान तर जाता है, भवसार को पार कर लेता है। बाकी तो सारा संसार संगति में पड़ा हुआ है, तो संगति में तो हम नर्क क्या कर रहे हैं, कुसंगति तो नरकों के द्वार हैं, इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा बनाओ उनको,
और जब वो आज जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आजकल एक ऐसा नशा चला हुआ है, एक बार उनको थोड़ा सा किसी ने थोड़ा सा उनके मुख में थोड़ा सा डाल दिया, उनकी जीवा से थोड़ा सा लगा दिया तो वो चपेट में आ गया, फिर उनका कोई इलाज नहीं, फिर मरना ही पड़ता है। फिर वो नशा इतना बुरा है कि फिर इंसान अगर उसको खाएगा तो तभी सुख की थोड़ी सी सांस ले सकता है, नहीं तो उसका पूरा शरीर कांपता है और पागलों की तरह भटकता रहता है। तो क्या आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं, इस संसार को ऐसा बनाना चाहते हैं? अगर हमने संसार को अच्छा बनाना है, संसार तभी अच्छा बनेगा जब सभी माताएं पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे कि बेटा ऐसा नहीं करना है, और उनको वो नाम के साथ जोड़ेंगे। नाम के साथ जो जुड़ जाता है फिर वो नशा पता कभी नहीं करेगा, नशा पता नहीं करता है। तो इसलिए अपने बच्चों को नाम से जोड़ो, नाम के साथ जोड़ दो, और फिर जब नाम का नशा मिल उनको लग जाता है तो फिर जब वो बैठेंगे फिर जो वो आनंद मिलता है जिसका वर्णन नहीं है। आनंद आनंद सब कहे, आनंद गुरु ते जानिया, तो आनंद तो दुनिया कहती है कि मुझे खाने से आनंद आ गया, ऐसे आनंद आ गया, खाना पीना क्या है? ये घोड़ा है आपका, जिसके ऊपर जिसके सवार आप हैं, आत्मा है, आप आत्मा है, इसके सवार है, इसको ठीक है, इसको आप प्रयोग कर रहे हैं, इसके बगैर आप चल नहीं सकते, ठीक है, इसको भी रुखा सूखा जो भी मिलता है डाल दो उसको और चलते रहो और अच्छे काम करते रहो संसार के लिए। संसार को अच्छा बनाना है, गौरवेंड के अपने और समाज का और संसार के गौरव का हमेशा इंसान को ध्यान रहना चाहिए। तो ये गौरव तभी बढ़ेगा जब हमारी जो ये संस्कृति है जो हमें बहुत सुंदर उपदेश देती है उसके ऊपर चलेंगे और अपने मानव धर्म को के ऊपर तत्पर रहेंगे, तभी हम उस गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे तो हम दुख सुख भोग रहे हैं, दुख सुख भोगते रहेंगे। तो इसलिए हमें अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखना है। कोई पता नहीं कब बच्चों के ऊपर कौन क्या कर देगा, तो इसलिए आज एक मुर्स आपको सोचना पड़ेगा। तभी कहा है कि जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, नहीं तो जननी बांध रहे कहे गुआए नूर के जननी। क्योंकि माता जो है, माता इस संसार को बनाने वाली है। बच्चे को माता जन्म देती है, उसको शिक्षा भी अच्छी दे और उसको अच्छा बनाए, वो अच्छे काम करे संसार में। अगर ऐसे बच्चे को जन्म दिया कि वो संसार में गंदगी फैलाए, तो ऐसे बच्चे से तो ऐसे अच्छे हैं तो उसका क्या लाभ होता है? तो इसलिए अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दो, तब लाभ है, नहीं तो फिर कोई लाभ नहीं है। तो जिस बखर को लैंड तू आया, जिस बखर को लैंड तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान ले मन मोर, राम नाम हृदय में तोर, लाद खेप सुनता संग चाल, अवर त्याग भिख्या जंजाल, धन धन कहे सब कोई, मुख उज्जल हरदल का सोई। तो कह रहे हैं गुरु साहब, कह रहे हैं पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है, गुरु साहब कह रहे हैं कि एक जीव रूपी जिज्ञासु तू किस काम के लिए संसार में, कौन सा सौदा प्राप्त करने के लिए आया हुआ है? क्या तुझे पता है कि कौन सा सौदा लेने के लिए आया है? वो नाम रूपी सौदा, वो नाम रूपी सौदा लेने के लिए तुझे संसार में परमात्मा ने भेजा है, तू उसको प्राप्त कर और संतों के साथ फिर चल पड़। तो उस नाम को जब तक हम प्राप्त नहीं करते, वो नाम जब तक हमें नहीं मिलता, तब तक हम भटक रहे हैं। क्योंकि तब तक हमें ना तो सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो सुखदाता है आपके पास, जो सुख देने वाला है वो आपके पास है, लेकिन आपने कभी उसको मिलने का प्रयास नहीं किया, तो फिर सुख कैसे मिलेगा, सुख कैसे आएगा? सुख तो तभी आएगा जब आप उसको प्राप्त कर लेंगे,
तो इतने बड़े महापुरुषों से हमें नाम मिल गया। मेरे सतगुरु परम संत छाक सिंह जी महाराज, मेरे सतगुरु परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज, ऐसे महापुरुष आए, गुरु नानक देव जी आए, दसों गुरु आए, ये महापुरुष आते रहे, कबीर साहब आए, दादू साहब आए, पलटू साहब, बहुत महापुरुष आए संसार में, अपने अपने समय के अंदर आते रहे, जिन्होंने संसार का भला करना हुआ होता है, परमात्मा जिसकी ड्यूटी लगाता है वो संसार के भले के लिए संसार में आते हैं, कभी संसार का भला होता है, तो उनसे नाम मिला है, बहुत बहुत बड़ी ऊंची बात है, बहुत गर्व की बात है जिनको ऐसे महापुरुषों से नाम मिल गया है, लेकिन वो भूल चुके हैं। अगर उनको पूछे आज के धुन आती है, नहीं आती, तो फिर आप क्या करते हो? तो हम तो आज ही उधर चले जाते हैं, वहां भजन कीर्तन करते हैं, उधर भजन गा लेते हैं और नाच लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा? मन बलवान हो जाएगा, मन बलवान हो जाएगा, आत्मा सो जाएगी। तो हमने तो अपना विकास करना है, आत्मा का विकास करना है, मन को तो मारना पड़ेगा जो हमें दुख दिला रहा है, जो दुखी कर रहा है। तो इसलिए निम्रता में आ जाओ, बड़े आराम के साथ बैठ जाओ और थोड़ा सुमिरन कर लो, और फिर आपके अंदर वो धारा चल पड़ेगी, और फिर अंगूठा लगा करके उसका आनंद लो। उसको सुनने से हमारे सारे कर्मों का सफाया हो जाता है, वो आनंद मिलता है कि सोने जैसी ये काया हो जाती है। काया कंचन शब्द विचारा, तिथि अरब से तिस्तांतना पारावारा, अनदिन हर सेवी सच्ची वाणी, हर जो शब्द मिलाईदा। ये पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी में समझा रहे हैं गुरु साहब के, ये शरीर फिर सोने से भी अति सुहावना हो जाता है जब इसमें वो नाम का मजीठा पड़ जाता है। काया रंगन जे थे प्यारे, काया रंगन जे थे प्यारे, पाइये नाम मजीठ, रंगन वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंगन अडीठ। फिर वैसा रंग कहीं नहीं दिखता, जब नाम का मजीठा डाल लेते हैं तो वैसा रंग फिर कहीं नहीं दिखता। लेकिन एक एक चीज और कह दी गुरु साहब ने, जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, धूड़ तिना की जे मिले जी, कह नान की अरदास। तो फिर जब आप उस सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ये आपका शरीर जो है ये भी सोने से भी अति सुहावना हो जाता है, आनंददायक सुखदायक हो जाता है। तो ऐसी चीज है आपके पास, तो फिर उसको आप प्राप्त नहीं करना चाहते? हमारे सभी ग्रंथ, सभी महापुरुष कहते हैं कि इंसान के लिए तीन चीजें हैं, तन मन धन सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। तो तन की सेवा है, धन की सेवा है, और सबसे बड़ी सेवा कौन है? सुरत शब्द की सेवा, परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा का भजन सिमरन करना, ये सबसे बड़ी सेवा। तो ये अवश्य करो, क्योंकि हर एक प्राणी के लिए अपनी कमाई का दसवंध कहा है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे महापुरुषों ने एक चीज बताई, हमारी कमाई शुद्ध हो जाती है और 10% अपने जीवन का, परमात्मा का जिसने जीवन दिया है उसको याद करना, उसका भजन सिमरन करना है। मान लो 100 वर्ष की आयु हो, 10 वर्ष आपको परमात्मा के लेखे में लगा, भजन सिमरन करना है, जो हमें सुख दे रहा है, सुख तो वही दे रहा है, दुख आता है तो हम उसको पुकारते हैं। तो तभी कहा है कि दुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलियार तक दुख के जो पल पल नाम हटाए। तो जब वो दुख आता है तो परमात्मा को याद करते हैं, जब सुख आ जाता है तो भूल जाते हैं। तो क्या करना है परमात्मा को, फिर याद नहीं करते? तो उसको श्वास श्वास हर नाम जब बिरथा श्वास मत को, ना जाने फिर ये श्वास हो ना हो, क्या पता अगला श्वास आएगा भी कि नहीं आएगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने जीवन को सार्थकता में ढालने के लिए ही ये जीवन मिला है, इस जीवन को बनाने के लिए ही ये जीवन मिला है। तो अपने लिए कुछ कर लिया करो, और उसका फल
फिर अगर कोई भी बगैर नाम लेवा आपके आपके परिवार का या कोई ऐसा चला गया है तो उसका भी भला हो जाता है। कैसे होता है? वेदों में एक श्लोक में समझा दिया है, वेद सिद्धांत गोचर तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सतगुरु प्राणाम अभयम। वेद सिद्धांत मुतावली में लिखा है कि जो प्राणी गुरु से नाम लेकर के और उस नाम का भजन करता है और उसके लिए पूरा समय देता है तो वो फिर आप जब अपने सतलोक पहुंच जाता है तो वो फिर परमेश्वरी हो जाता है। तो उसकी जितनी कुलें नरकों में पड़ी है वो सारी कुलों को नरकों से निकाल देता है। ऐसा भादर अगर किसी का भी बच्चा ऐसा भादर हो जाए जो सारी कुलों को नरकों से निकाल दे तो वो है जीवन। तो तभी कहा है अगले श्लोक में कहा है, वेद सिद्धांत गोचरतम गोचरम गोविंदम परमानंदम सतगुरु प्राणामाभ्यम। तो वेद सिद्धांत मुतावली में कहा है कि कुलम पवित्रम जननी कृता था वसुंधारा पुण्यवती अपार शिशु सागरे सिमलनी नम परे ब्रह्मणीयस्य चेतः। जिसका अपार ये आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाता है, जो आत्मा परमात्मा में अभेद हो जाती है वो फिर उसी का ही रूप हो जाता है, फिर वो उसके द्वारा फिर माता जन्म देने वाली माता भी धन्य हो जाती है और ये पृथ्वी ये जगत जननी पृथ्वी भी सनात हो जाती है और सारी कुलें तर जाती है उसकी, सारी कुलों का वो उद्धार कर देता है। तो ऐसा बहादुर अगर किसी ने भी अपने बच्चे को वो पूरा ज्ञान मिल गया बच्चे को तो फिर ऐसा भादर अगर कोई हो गया तो फिर वो बहुत बड़ी सत्ता है। तो ऐसा इस संसार में काम तभी कर सकते हैं जब बच्चों को बचपन में ही हम वो शिक्षा दे दें और बच्चा उसके ऊपर चल पड़े तो फिर वो बन सकता है। तो उस बनने के लिए परमेश्वर बनने के लिए आप सभी आए हुए हैं, ये मौका मिला है। वही प्राप्त मानव देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अबर काज तेरे कितने नकाम मिल साथ संगत भज केवल नाम। तो वाणी भी यही समझा रही है कि बड़े भाग्य से वही प्राप्त मानव देवरिया के बड़े भाग्य से आपको ये मनुष्य चोला मिल चुका है और ये किस लिए मिला है? गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, उस गोविंद को उस मालिक को मिलने की बारी है। अबर काज तेरे कितने न काम के और काम करने के लिए नहीं, और काम तो और यूनियों में भी कर लिया, बाल बच्चों का लालन पोषण कर लिया, सब कुछ कर लिया। अगर वो अभी भी वो ही करते रहे हम और वो जिस काम को करने के लिए अवसर मिला है वो काम नहीं किया तो फिर क्या किया? फिर तो कुछ भी नहीं किया, फिर किस लिए आए हम संसार में? नरकों में जाने के लिए आए? तो इसलिए अपना भला सोच लेना चाहिए इंसान को, अपना भला कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो घड़ी दूर नहीं है, वो घड़ी आने वाली है। दादू दावा दूर कर दिन दावे दिन काट केते सौदा कर गए अपनी सारी की आट। तो बड़े बड़े आए राणा राव नको रहे नरंग तुंग फकीर बारी आपो अपनी कौन बंधावे धीर। बड़े बड़े राजे महाराजे भी आ गए इस संसार में, सब चले गए, आज कोई भी उनको याद करने वाला नहीं है। तो जिस समय राजा परीक्षित को पता लगा, समय बहुत हो गया है, वैसे कोई बात नहीं आप थोड़ा रुक जाइए। तो राजा परीक्षित को जब पता चला, इतना विलासी राजा था और धर्म तो उसके राज्य में परिपूर्ण था, चारों चरणों में था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसको वो गुरु ज्ञान नहीं मिला था, आत्म ज्ञान नहीं मिला था। तो उसको पता चला कि मैंने कोई ऐसा काम कर दिया, ऐसा कोई अपराध कर दिया कि मुझे 7 दिन के बाद मृत्यु मिलने वाली है, मेरी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के बाद। तो उसने बड़े बड़े ऋषि मुनि बुला लिए कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तो कहीं देवलोक में नहीं मिलती और कहीं नहीं मिलती, केवल मात्र मातलोक में मिलती है। तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? कोई मुझे मुक्ति दिला सकता है? तो ऋषि मुनियों ने कहा कि वो तो हमें भी नहीं मिली, हम कैसे आपको दे सकते हैं? तो फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना राजपाट अपने परिवार
सब कुछ बाल बच्चे सब कुछ त्याग दिया, सबका त्याग करके गंगा के तट पे आकर के बैठ गया। और सुखदेव मुनि जैसे परम संत सतगुरु उनको मिल गए और उन्होंने यही प्रश्न किया कि महाराज मुझे आज तक ना गुरु मिला ना वो ज्ञान मिला, क्या मुझे वो ज्ञान मिल जाएगा या क्या मुझे अज्ञानता में ही मरना पड़ेगा, तो मेरी क्या गति होगी, मेरी गति क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि राजन जरा धैर्य रखिए, अगर आप में निम्रता आ जाए, आप में सहनशीलता आ जाए, आपका अहंकार मिट जाए तो परमात्मा तो आपको अभी मिल जाएगा आपको। तो प्रश्न किया तो बैठ गए, बैठे और उन्होंने थोड़ी तवज्जो दी और उनका काम बन गया, उनको नाम मिल गया। तो अब उनको नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, उनको आत्म ज्ञान मिल गया, गुरु ज्ञान मिल गया उनको, फिर वो नरकों से कैसे जाएंगे। तो गुरु बिना कौन लगावे पार, गहरी नदियां ना पुरानी बह पुरानी धार, गुरु बिना कौन लगावे पार। तो उस भवसागर से वो ही तरता है जिसको गुरु मिल जाता है, जिसको गुरु मिल गया वो भवसागर से पार हो जाता है। तो इसलिए हमें गुरु की, ऐसे गुरु की बहुत बड़ी नितांत आवश्यकता है, जो हमें पहले दिन ही बिठा करके उठाए तब जब हमें कहें कि महाराज आज हमें मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो तब लाभ है। ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो आपको माला दे दे आपके हाथ में, या वो कहे कि जाओ जी आप कहीं मस्जिद में चले जाओ, या कहीं मंदिर में बैठे रहो, या कहीं गुफा में बैठे रहो, या तीर्थों में भ्रमण करते रहो, तीर्थों में नहाते रहो, आपका भला हो जाएगा। कभी भला नहीं होता, तीर्थ नहाए क्या हुआ, जो मन की मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास ना जाए। मछली तो जल में रहती है, उसकी बदबू वैसी की वैसी रहती है, उसका भला क्यों नहीं होता, आप तो एक गोता लगाते हैं। तो मानस तीर्थ में जो अवगाहन करता है, मानस तीर्थ में जो अवगाहन करता है, जो यहां आ जाता है, यहां ऊपर आ जाता है, यहां है प्रयागराज, उस प्रयागराज में नहाने से कुछ नहीं होता, ये प्रयागराज है यहां, जो इसमें नहाता है, इंदा पिंगला सुषुम्ना तीनों मिले एक थाई, यहां पे जो यहां स्नान कर लेता उसका कल्याण हो जाता है। तो सब कुछ आपके पास है, आपको कहीं बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना ध्यान संसार की तरफ से हटाना है, परमेश्वर परमात्मा की तरफ लगाना है, वो तो आपको पहले ही मिला हुआ है। लेकिन कमी हमारी है, जो हम सोचते हैं कि अभी हमने ऐसा भी खाना है, अब ऐसा नशा भी करना है, अब ऐसा भी करना है, हम नाम कैसे ले लें। तो नाम लेने के लिए तो शर्त तो जरूर माननी पड़ेगी, क्योंकि किसी दूसरों के बच्चों को खाने से क्या कुछ सुख मिल जाएगा किसी को। दुनिया दूसरों के बच्चों को नोच नोच के खाते हैं, क्या उनको ज्ञान नहीं है कि हम दूसरों के बच्चों को खा रहे हैं, हमारे बच्चे को अगर कांटा भी लग जाए कितना दुख होता है, इतना नहीं पता चलता। तो इंसान को थोड़ा रहम होना चाहिए, सोचना चाहिए। शराबें कुवाबें कई ऐसी चीजें हैं, कभी मत ऐसे काम करो, अच्छा काम करो, समृद्ध को पियो और परमेश्वर जैसा जीवन बनाओ, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। आए हैं संसार में, फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रीत कर लो राम से। अगर इस संसार में आए हैं तो आप ये सोचेंगे कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन ये समय ऐसे बीत जाता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे खाली रह जाते हैं। तो कभी कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनः आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। तो सत्संग में पूर्ण गुरु का सत्संग, अगर एक घड़ी नहीं मिले, आधी घड़ी भी मिल जाए, आधी से भी आधी मिल जाए, गुरु को दृष्टि पड़ जाए तो जीवन सफल है आपके। जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई उसके सारे जितने भंडार भरे पड़े हैं पापों के सब स्वाह हो जाते हैं। जब ही नाम हृदय धरे हो भया पाप का नाश, जैसे किनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जिस दिन हमने उस नाम को पा लिया,
उस नाम को प्राप्त कर लिया, उस दिन वो नाम की चिंगारी ऐसी है जो ढेर लगे हुए हैं घास के, एक चिंगारी पड़ती है तो सारा स्वाह हो जाता है। ऐसे ही नाम रूपी चिंगारी जब पड़ती है तो सारे कर्मों का सफाया हो जाता है और जीव आनंददायक सुखदायक स्थिति में हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा विचार करें कि हम संसार में आए हैं और अच्छा काम करें, अच्छे बने, अपना जीवन अच्छा बनाएं, अपने बच्चों का जीवन अच्छा बनाएं और इस संसार को बनाने का आपको गौरव प्राप्त है, ये मिला है आपको, तो हम इसको खो देते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है आपके लिए के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके, उनको अच्छा बना करके हमारा संसार अच्छा बना, अच्छा हो गया। तो अच्छे बनो, सबके प्रति प्यार, सबके प्रति सेवा भाव, सबके प्रति दया, ये अपने अंदर पैदा करो और फिर आपको जो है कोई कमी नहीं रहेगी, फिर परमेश्वर दूर नहीं है, फिर वो आपको जो है सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। तो इससे बड़ी फिर और कोई ऐसी चीज नहीं है। तो हमारे को जो जीवन मिला है ये इसीलिए मिला है कि हम दिन दुखियों की भी सेवा करें, इसलिए मिला है। तो इसी के साथ समय बहुत हो गया है और काफ़ी समय हो गया है, सत्संग तो कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अभी आपने दूर दूर भी जाना है तो इसलिए दास अपनी वाणी को अब विराम देता है। धन सतगुरु, धन सतगुरु। और बड़ा बहुत खुशी हुई आप सबके, सभी आत्माओं के दर्शन मिल गए, बहुत खुशी की बात है। और सभी दास के यही आपके चरणों में अरदास है कि सभी अच्छे बन जाओ, अपने बच्चों को भी अच्छे बनाओ और नाम का भजन सिमरन करना शुरू कर दो। अपने जिनको नाम मिला है, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, आपने जहाँ जहाँ भी है, अपने घरों में 10, 20, 50 आदमी बैठ करके भजन करें तो आपको एक घंटा भी अगर आप भजन करते हैं, अगर 50 आदमी बैठे तो एक को 50 घंटे का इतना बड़ा फायदा होता है। तो सभी इकट्ठे बैठ करके भजन सिमरन करें तो फिर उसका लाभ मिलता है। और अपने घरों में सत्संग जरूर कराओ। जिस घर में कहते हैं कि साथ संगत के चरण नहीं पड़ते, वो घर तो कहते हैं जैसे मरघट होते हैं वैसे होते हैं, वहाँ भूत ही बसते हैं। तो इसलिए संतों का जो सत्संग है बहुत बड़ी नियामत है संसार के ऊपर, बहुत बड़ी नियामत है। तो अगर पूरे गुरु का सत्संग मिल जाए तो जरूर सत्संग को प्राप्त करो और नाम की प्राप्ति जरूर करो। जिनको उससे इसके लिए आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, बुरी चीज़ें छोड़नी, बुरी चीज़ें तो ऐसे भी आप किसी को प्रयोग नहीं करनी, बहुत बुरी चीज़। सबके बच्चे प्यारे होते हैं, एक चिंटी को भी मारना बहुत बुरी बात है। एक बार की बात है तो हमारे आश्रम, हम अपने आश्रम में थे तो यहाँ से भी संगत गई हुई थी वहाँ पे, तो कोई कहने लगा वहाँ जो अपना भजन का कमरा था उसके बाहर जो वो पीली पीली होती है ना छत्ते बनाती है, उन्होंने मकड़ियाँ बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, उन्होंने छत्ता बनाया हुआ था, बहुत सीख थी और अंदर भी आ रही थी, तो उन्होंने बोला जी हम अभी स्प्रे करते हैं इनको, ये आपको काट देंगे। मैं कहा ये किसी को भी नहीं काटेंगी, आप चिंता मत करो, इनको किसी को स्प्रे नहीं करनी है, ये यहाँ बच्चे दे रहे हैं, इनके बच्चे आएंगे यहाँ इस छत्ते में, और ये भी इनको भी हम क्यों मारें, हमारे को क्या आते हैं इनको मारने, कभी किसी को मत सोचो, सोचना भी बुरा है, अगर सोच लिया तो पाप कर्म हो गया, कभी ऐसा भी मत सोचो। तो ये चीज़ है, धन सतगुरु, धन सतगुरु।